अजित कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपरहिट मूवी तेरी बातों में एशिया उलझा दिया फुल एचडी पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनर की मूवी, कीर्ति सेन उनकी लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनर के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है। जिस तरह के लोग इस मूवी को जॉनर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी को। स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुकी है या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफी ज्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें आईएमडीबी क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की किसकी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल एचडी प्रीमियर की मूवी है जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है और स्पेशली उन सभी के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है और हाल ही में इस मूवी को टीआरपी पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियंट राइट्स पर देख रखा है जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियंट ऑनर है जिन्होंने इस मूवी को हाल में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए जो फाइनली आप सभी को ओटीटी पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फैन के लिए जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतजार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था। इस मूवी ने हिंदी फिल्मेकर के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सेन ने एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर वेक चुकी है जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को बताया इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर। पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे मूवी के हिंदी फिल्मेकर के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर
लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्मर के फैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के फिल्मर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और फिल्मर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारे बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपर हिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले की पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो फिल्म के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जान रहा और उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए। HD प्रीमियर पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए। कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्मों के साथ रिलीज़ भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था। पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी लंबे वक्त से इन जॉनर की मूवी फिल्म देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया। इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर
पर लेकर आए हैं, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनरा की मूवी, कीर्ति सन उनकी लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनरा के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनरा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी को, स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफी ज्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चे होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की किसी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है जिसको हाल ही में रिलीज करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोज़ डिज़ाइन करके बनाया है, और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है, और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे, और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीजन से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था, और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है, और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताएं रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ACVFX यूजिंग करके बनाया, और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज़ में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था इस मूवी ने। हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ने पसंद भी किया, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमाकर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर, पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज़ कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने
काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे। मूवी के हिंदी फिल्म के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज़ किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारी बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारी जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपरहिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जान रहा कि उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए। HD प्रीमियर पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए। कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज़ ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, इसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ रिलीज़ भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था। पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह के मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जॉनर की मूवी प्रीमियर देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर
300 करोड़ से भी ज्यादा के आसपास के आंकड़ा कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लिख के कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लिख के कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनरा की मूवी, कीर्ति सैनन उनकी लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनरा के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनरा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफी ज्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है, और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है, और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे, और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीजन से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था, और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है, और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया, और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतजार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था। इस मूवी ने हिंदी फिल्मर के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सैनन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है, और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है, जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमाकर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली।
जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी फिल्म के फैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी फिल्म को लेकर। पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा, मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्म के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और प्रमोशन के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी को होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारे बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपरहिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ। इससे पहले की पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो फिल्म के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जान रहा कि उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारे एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है, जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए। HD प्रीमियर पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए। कम्युनिटी टैब पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, इसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था। पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया है स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह के मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी लंबे वक्त से इन जॉनर की मूवी फिल्म देखने को लिए
एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकते हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया। इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ की कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजट एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों हैशटैग फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, हैशटैग हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। एक कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनर की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनर के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुकी है या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियंट राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियंट ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था, और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतजार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था इस मूवी ने। हिंदी फिल्मेकर के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सनन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को बताया इस मूवी ने
लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर। पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा, मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी प्रीमियर के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारे बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपर हिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी को किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ, इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोग ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी की जानना के और मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहे हैं, जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को ज़्यादा हिंदी फिल्मों की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो प्रीमियर के साथ बने रहिए। HD प्रीमियर पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्मों के फ़ैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी टैब पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्मों के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी प्रीमियर की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था। पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है।
मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रेमी के फैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जानर की मूवी प्रेमी देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया। इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजट एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनर की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनर के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुकी है या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चे होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की किसी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है, और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है, और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियंट राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियंट ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स YouTube और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे, और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था, और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है, और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया, और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं, वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतजार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज़ में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था इस मूवी ने। हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, और
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कीर्ति शरण एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर वेग चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को टू भी कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों, इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को बताया, इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर। पर दोस्तों, जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा, मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्म के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी, जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है, आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारी बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारी जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपर हिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी को किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ का प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ। इससे पहले की पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जानकर के उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों, इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहे हैं, जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए। HD प्रीमियर पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए। कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज़ ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज़ में आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों पिछले टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक
बेहतरीन कास्टिंग किया था। पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रेमियों के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी लंबे वक्त से इन जानर की मूवी प्रेमियर देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया। इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ की कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजट एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनरा की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनरा के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनरा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफी ज्यादा हो रखा है, मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतजार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज़ में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था। इस मूवी ने
हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को टू भी कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमाकर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी फिल्म के फैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी फिल्म को लेकर। पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्म के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन से जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज़ किरदार और फिल्म के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारे बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपरहिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जानर के और उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए। HD प्रीमियर पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए। कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोगों को इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, इसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने
अमेजोन प्राइम पर ही देखिए, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के प्रीमियर के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था। पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया है स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जॉनर की मूवी प्रीमियर देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जॉनर के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जॉनर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स की दे दी थी। मूवी की किसी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सब्सक्रिप्शन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सब्सक्रिप्शन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल ही में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक
ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी फिल्मर के फैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ की हिंदी फिल्मर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD फिल्मर पर भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज़ में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था। इस मूवी ने हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमाकर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी फिल्मर के फैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी फिल्मर को लेकर। पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्म के फैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के फिल्म के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी को लेकर रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारी बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारी जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपरहिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी को किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ के हिंदी रिलीज के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो फिल्म के साथ आप लोग ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी फिल्म के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जानना के उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारे एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म के फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए। HD फिल्म पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो
इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी की अमेजन प्राइम रिलीज़ ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, इसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊँगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी, और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था। पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जॉनर की मूवी फिल्म देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी यानी 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़े का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जॉनर के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जॉनर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कॉन्सेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा होना और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग
एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें, एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए। जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था। इस मूवी ने हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर। पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्मर के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए। आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारे बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपर हिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी को किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जानना के उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारे एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है। तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहे हैं जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ
आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म की फैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए HD प्रीमियर पर। आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग को इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्मों के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था, पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह के मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जानर की मूवी फिल्म देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया। इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कॉमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कॉमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉक बस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की मूवी, कीर्ति सन उनकी लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेंस के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जॉनर के लिए भी काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज़ के फैन हैं, जिस तरह के लोग इस मूवी को जॉनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुकी है या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज़ के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चे होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की किसी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में
हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ की हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज़ में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था इस मूवी ने। हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैक चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को बताया इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर, पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्मर के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीज़न से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज़ किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस्ड स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारे बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपरहिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी को किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी की जान रहा कि उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है।
तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहे हैं, जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को ज़्यादा हिंदी फिल्म की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए HD प्रीमियर पर, आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी टैब पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज़ ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सब को बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज़ भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी, और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था, पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रेमियों के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी लंबे वक्त से इन जानर की मूवी प्रीमियर देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया। इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ की कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनरा की मूवी, कीर्ति सन उनकी लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनरा के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी को, स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज़ के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ, मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चे होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की किसी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोज़ डिज़ाइन करके बनाया है, और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है, और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में
हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताएं रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज़ में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था इस मूवी ने। हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर वेख चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 भी कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर, पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्मर के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज़ किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी को होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारी बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारी जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपरहिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जान रहा कि उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है।
तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है, जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए HD प्रीमियर पर, आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के Amazon Prime रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, इसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने Amazon Prime पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी, और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था, पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जॉनर की मूवी फिल्म देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना, और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ की कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन के कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जॉनर लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जॉनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कॉन्सेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज़ के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चा होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी के किसी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है, और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है, और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में
हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतजार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था। इस मूवी ने हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर। पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्म के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस्ड स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारे बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारे जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपर हिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जानना के उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारे एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है।
तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस लेकर पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है। जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को ज़्यादा हिंदी फिल्म की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए HD प्रीमियर पर, आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी टैब पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था, पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह के मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जानर की मूवी प्रीमियर देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी यानी 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनर की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनर के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुकी है या फिर नहीं आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज़ के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज़ के बारे में चर्चा होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की किसी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियंट राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियंट ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में
हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था इस मूवी ने। हिंदी फिल्मों के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन ने एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर वेख चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है। जैसे कि आप सभी को बताया जिस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर, पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्मों के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारी बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारी जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपर हिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ की हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोग ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी की जानना के अनुन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है।
तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहा है, जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को बता दें हिंदी फिल्म की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए HD प्रीमियर पर, आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारी जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज भी आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी, और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था, पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह के मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी लंबे वक्त से इन जानर की मूवी फिल्म देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया। इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ की कलेक्शन करने के बावजूद इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजट एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनर की मूवी, कीर्ति सन उनकी लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनर के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी को, स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कॉन्सेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज़ के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चे होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल की कमाई करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की किसकी स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोस डिज़ाइन करके बनाया है, और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है, और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियन राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियन ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में
हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने पर लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था, और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज़ करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताएं रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस तरह के जॉनर की मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए, जो लोग इस तरह के मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर की मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं वो स्पेशली इस तरह के मूवीज़ को हिंदी के HD प्रीमियर पर भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आप सभी को बता दूं OTT पर इस मूवी को रिलीज़ में करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासा TRP गेन कर लिया था। इस मूवी ने हिंदी फिल्म के फैन रोबोटिक्स और एक अलग किरदार की मूवी के जॉनर की इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ने पसंद भी किया। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कीर्ति सरोन एक ऐसी किरदार के अंदर इस मूवी के अंदर बैठ चुकी है, जो कि इस मूवी के सीक्वल को भी इस मूवी के राइटर्स ने इंट्रोड्यूस किया है और इस मूवी को 2 कंटिन्यू करके इस मूवी को सीक्वल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो दोस्तों इस मूवी का सीक्वल भी आप सभी को देखने को मिलने वाला है। 2025 की स्टार्टिंग पर ही इस मूवी को सीक्वल को रिलीज़ करने की जिक्र किया है, जैसे कि आप सभी को पता है इस मूवी ने लोगों ने अंडररेटेड किया था इस मूवी को, उसके बावजूद भी मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका कमा कर इस मूवी ने ब्रेक कमाई कर ली, जो काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आया। हिंदी प्रीमियर के फ़ैन इस टाइम नज़रअंदाज कर रहे थे इन मूवीज़ को लेकर, इन मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर को लेकर, पर दोस्तों जब इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीटने लगा मूवी के रिलीज कर किरदार और मूवी के बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने काफ़ी अच्छी किरदार दिखाने लगे, मूवी के हिंदी फिल्म के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे इस मूवी को एक अलग ही किरदार को लेकर जाना और इस मूवी को प्रीमियर पर लेके आना को काफ़ी अच्छी बात बनी गई है। शाहिद कपूर सर ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी के अंदर अपनी कास्टिंग को दिखाने के बावजूद भी ये इनकी करियर की काफ़ी अच्छी और एक्साइटिंग स्टोरी मूवी बन चुकी है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी सारी मूवी के अंदर तो अपने किरदार को निभाया, उसके बावजूद भी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी खासी तहलका पीट नहीं रही थी जैसे लोगों ने इससे पहले बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी को देखा। ये एक रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी और यूनिक बेस कहानी होने के रीजन से ये मूवी एक अलग ही किरदार की बनी हुई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी प्रीमियर के फ़ैन के लिए आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी बड़ी बात बन चुकी है। वीडियो के प्रीमियर के साथ बने रहिए। इस तरह के जॉनर के अलावा कौन सी जॉनर की मूवी आप सभी को देखना पसंद है आप हमें कमेंट करिए। हम आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ काफ़ी सारी नई मूवी के रिलीज़ किरदार और प्रीमियर के लिए आप सभी को हम हिंदी सिनेमा की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी जिक्र करने वाले हैं और वो सब मूवी आप सभी को भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के साथ अपडेट में बने रहिएगा। ये एक रोबोटिक यूनिक बेस स्टोरी कहानी होने के रीजन से बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर इस मूवी ने अलग ही किरदार निभाया है, जो कि हिंदी सिनेमा पर काफ़ी सारी बैक टू बैक मूवी सोशल मीडिया और काफ़ी सारी जगह से कॉपी किया जाता था और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी मूवीज़ को रीमेक पर रीमेक लेकर आने के बावजूद ये मूवी सुपरहिट बना। सभी को हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी बेस्ड कहानी और इस मूवी के किरदार को काफ़ी सारे लोग ने पसंद किया है, जिसके रीजन से हम आप सभी को इन जॉनर की मूवी प्रीमियर और किरदार के लिए एक्साइटेड करना चाहेंगे और इन मूवीज़ के प्रीमियर देखने के लिए रिकमेंड करना चाहेंगे, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को इससे पहले देखने को नहीं मिला था। जिक्र किया है कि पिछले टाइम बॉलीवुड के अंदर भी इस लेवल की एनिमेटेड मूवी बनी है और ये मूवी काफ़ी सारे लोग को पसंद भी आ गया था। मैं आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ दिखाने के लिए बेताब हूँ इससे पहले कि पॉपुलर मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के साथ लोगों को काफ़ी सारी नई मूवी भी देखने को मिल गया था। वीडियो प्रीमियर के साथ आप लोगों ने हमारी कमेंट बॉक्स पर चेक कर सकते हो काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर के साथ। हम आप सभी को पिछले टाइम पॉपुलर मूवी के जानने के और उन मूवीज़ के रिलीज़ के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। पिछले टाइम साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारे एक्साइटिंग थ्रिलर मूवी को प्रीमियर करने के बावजूद भी बॉलीवुड की इन मूवीज़ में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर तहलका पीट जाना और मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलना एक बेहतरीन बात बन गई है।
तो दोस्तों इन दिनों मूवीज़ के फ़ैन के लिए काफ़ी सारे मूवीज़ साउथ इंडस्ट्री से भी एक्सपेक्ट कर रहा है लोग, और साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ मूवी को लेकर आ रहे हैं, जो कि KGF के मूवी के रिलीज़ के साथ साथ पुष्पा की मूवी और साथ ही साथ आप सभी को ज़्यादा हिंदी फिल्म की फ़ैन के लिए काफ़ी सारी नई और एक्साइटिंग मूवी भी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन चुकी है। वीडियो फिल्म के साथ बने रहिए, HD प्रीमियर पर आप सभी को इन मूवीज़ को OTT के अलावा काफ़ी सारे जानने पर देखने को मिलने वाला है। हिंदी फिल्म के फ़ैन को इस टाइम बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। दोस्तों वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर चेक करते रहिए, कम्युनिटी ऐप पर काफ़ी सारे लोग इन मूवीज़ के बारे में जिक्र किया है, और हिंदी फिल्म के फ़ैन तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे इन मूवीज़ को देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो के अपडेट में आप लोगों ने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स पर काफ़ी सारे लिंक भी मिल जाएगा। इस मूवी के अमेजन प्राइम रिलीज़ ऑफिशियली हो गई है दोस्तों, जिसके रीज़न से मैं आप सबको बताऊंगा कि दोस्तों ऑफिशियली हिंदी फिल्म की प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी को आप लोगों ने अमेजन प्राइम पर ही देखी है, ताकि दोस्तों इस लेवल की मूवी आप सभी को अलग ही किरदार की मूवी देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। वीडियो के साथ अपडेट में बनना और इन मूवीज़ के फिल्म के साथ रिलीज़ में आना काफ़ी अच्छी बात बन गई है। आप सभी को मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूँगा कि दोस्तों वैसे टाइम बॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज़ की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती थी, और तेलुगु इंडस्ट्री और काफ़ी सारी ऑलरेडी रिलीज इंडस्ट्री से मूवी को रीमेक में से रीमेक बनाने के बावजूद भी मूवी ने एक बेहतरीन कास्टिंग किया था, पर दोस्तों इस टाइम स्टोरी पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, ये देखने को मिला है कि दोस्तों लोगों को काफ़ी बड़ी काम किया स्टोरी के अंदर भी, जिसके रीज़न से उन लोगों को ये अलग किरदार की मूवी बेस्ड कहानी देखने को मिल गई है। मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा इन दिनों मूवी फिल्म के फ़ैन के लिए कि दोस्तों इस तरह की मूवीज़ देखने को मिलना काफ़ी अच्छी बात भी बन गई है। मूवीज़ लवर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, काफ़ी लंबे वक्त से इन जॉनर की मूवी फिल्म देखने को लिए एक्साइटेड भी रहे थे, जिसके रीज़न से लोगों को इस तरह की मूवीज़ देखने को मिल गई है। वीडियो के साथ आप अपडेट में बन सकती हो, क्योंकि दोस्तों बॉलीवुड की काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी को ऑलरेडी OTT पर रिलीज़ करने के बाद काफ़ी अच्छी TRP मिल जाती है। साउथ इंडस्ट्री की लो बजट मूवी ने 2024 में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 300 करोड़ से भी ज़्यादा के आसपास के आंकड़ा का कलेक्शन करना, और 75 करोड़ की बॉक्स बजट पर बनाया गया इस मूवी ने सिर्फ 133 करोड़ के कलेक्शन करने के बावजूद भी इस मूवी को हिट मूवी के दर्जे पर लेकर आए, जो कि साउथ इंडस्ट्री की काफ़ी सारी लो बजटेड एक्ट्रेस ने भी मूवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड वर्ल्ड वाइड या फिर आप कह सकते हो पूरी इंडिया पर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर उन्होंने 350 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन कर रखी है। तो दोस्तों #फुल मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हिंदी वर्जन लेके कमेंट करिए, #हिंदी बॉलीवुड फुल मूवी 2024 लेके कमेंट करना मत भूलिएगा। अनिल कपूर सर की 2024 की वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फुल HD पर देखना चाहती हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। रोमांटिक कॉमेडी जनरा की मूवी, कीर्ति सनन की लीड कास्ट में बनी हुई इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक रोमांटिक वुमेन्स के स्टोरी बेस पर कहानी पर बनाया गया इस मूवी को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद कर रहे हैं। इस मूवी की हिंदी प्रीमियर जनरा के लिए भी काफी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए टारगेट करके बनाया है जो लोग हिंदी प्रीमियर के मूवीज के फैन है, जिस तरह के लोग इस मूवी को जनरा को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली ये मूवी बनाकर टारगेट करके बनाया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोरी कह सकते हो आप लोगों ने इस मूवी की स्टोरी पर एक बेहतरीन कहानी कंसेप्ट के अंदर बनी हुई ये मूवी। अगर आप लोगों ने देख चुके हैं या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करिए। इन दिनों इन मूवीज के चर्चे काफ़ी ज़्यादा हो रखा है मूवी के प्रीमियर के साथ मूवी के हिंदी रिलीज के बारे में चर्चे होना, और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर 133 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर ली, जो कि इस मूवी ने इस लेवल के करेगी लोग ने समझ ही नहीं पा रहे थे। बट दोस्तों आप सभी को बता दें IMDb क्रिटिक्स ने इस मूवी को अच्छी खासी रेस्पॉन्स के दे दी थी। मूवी की स्टोरी कास्टिंग और प्रीमियर के साथ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी ले दिया था, और काफ़ी सारे लोग इन जॉनर की मूवीज़ के हिंदी प्रीमियर के लिए भी एक्साइटेड हो रहे थे। आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स पर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जो फुल HD प्रीमियर की मूवी है, जिसको हाल ही में रिलीज़ करने के बाद जिक्र किया और लोग हिंदी वर्जन में इन मूवीज़ को भी देख चुके थे। हिंदी फैन जो इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के हिंदी रिलीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इन वीडियोज़ डिज़ाइन करके बनाया है, और स्पेशली उन सभी के लिए OTT प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी कर दिया जा चुका है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को ऑफिशियली प्रीमियर कर दिया गया है, और हाल ही में इस मूवी को TRP पर ट्रेंडिंग भी मिल चुका है। प्राइम वीडियो नेटवर्क ने इस मूवी को ऑफिशियली सफिशियंट राइट्स पर देख रखा है, जो कि आप सभी का बता दें प्राइम वीडियो नेटवर्क इस मूवी का ऑफिशियली सफिशियंट ऑनर है, जिन्होंने इस मूवी को हाल में
हिंदी पर प्रीमियर किया है। इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लिए लोग इंतजार कर रहे थे मूवी के हिंदी रिलीज प्रीमियर के लिए, जो फाइनली आप सभी को OTT पर देखने के बाद लोगों को इस मूवी के काफ़ी ज़्यादा वायरल क्लिप्स यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौरान देखने को मिला। उसके बाद लोगों ने इस मूवी के बारे में अपडेट मिलने लगे और इन जॉनर की मूवी को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स के साथ ले गए थे। मूवी एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड होने के रीज़न से इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को एक अलग ही किरदार के अंदर निभाया था, और साथ ही साथ जिक्र किया है कि इस मूवी के हिंदी सीक्वल को भी 2025 की एंड तक रिलीज करेंगे, जो कि आप सभी को बता दें ये एक अलग ही लेवल की मूवी बन चुकी है और इस मूवी के हिंदी प्रीमियर के लोग एक्साइटेड भी हो गए थे। आप सभी का बता दें एक बेहतरीन स्टोरी कॉन्सेप्ट बेस्ड कहानी ये मूवी। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हो तो दोस्तों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा इस लेवल की एक अलग ही किरदार की मूवी हाल ही में रिलीज कर दिया जाना। और आप सभी को बताया रोबोटिक वुमेन की बेस पर कहानी एक पहली मूवी है जो हिंदी सिनेमा की एक ऐसी VFX यूजिंग करके बनाया और जिसके किरदार को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों इन दिनों मैं रिकमेंड करना चाहूँगा